तो हेलो बच्चों लोग, आज हम अपने चैप्टर 3rd को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने चैप्टर 1st कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2nd कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 3rd की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर 1st आराम से कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2nd भी आराम से कंप्लीट हुआ। आप उसको आराम से देख सकते हो जो भी है, ठीक है, सब आराम से देख सकते हो। किसी कोई डाउट होता पूछ सकते हो, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बच्चों लोग, प्रोजेक्ट एज अ लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रोजेक्ट एज अ लाइफ साइकिल। अब बात की जाए बच्चों लोग कि प्रोजेक्ट एज अ लाइफ साइकिल, तो हमने बात की थी पिछले चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में कि क्या लाइफ साइकिल होता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर पे, है ना। तो अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, किसकी बात करें बच्चों लोग, इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, है ना, इंट्रोडक्शन की बात करें। तो अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब देखो इंट्रोडक्शन बेसिकली बोल क्या है कि हम लोग कोई भी जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबका क्या होता है बच्चों लोग, आपका एक स्टार्टिंग से लेकर के एक मिडिल पीरियड होता है और एक कंप्लीटेशन पीरियड होता है, या फिर वो कंप्लीटेशन पीरियड में या तो सक्सेसफुल होगा या तो वो क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा, है ना। हर फेज आता है, पहला इनिशिएशन आता है, फिर एग्जीक्यूशन आता है, फिर मॉडरेशन, सब सारा फेज आते देखने को मिलता है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो उसको देखने को मिलेगा कि ये प्रोसेस है, ठीक है। अगर मान लो हमको डिजायर्ड गोल चाहिए तो हमको प्रोजेक्ट मैनेज करना पड़ेगा, है कि नहीं, उसको एक लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा, उस लाइफ साइकिल पे चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होगा। तो वही बोल रहा है कि एवरी प्रोजेक्ट हैज अ बिगनिंग एंड अ मिडिल पीरियड डूइंग विच एक्टिविटीज मूव द प्रोजेक्ट टुवर्ड कंप्लीटेशन। जैसे कि हम लोग अपने कंप्लीटेशन की ओर बढ़ते हैं, इसका एंडिंग हो या तो सक्सेसफुल होगा या तो अनसक्सेसफुल होगा, है कि नहीं। This different phase development in a project called project life cycle. इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, project life cycle बोल रहे हैं, है ना। अगर आपसे definition पूछा जाए तो आप कहाँ से लिखोगे, अभी से लिख करके आप कहाँ तक लिखो बच्चों लोग, project life cycle तक लिखोगे। तो ये आपका एक proper definition हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके phases की तरह बढ़ेंगे कि phase किस तरह का phase देखने को मिलता है हम लोग, है ना। तो अगर phase की बात की जाए तो generally हम क्या देख रहे हैं बच्चों लोग, यहाँ पर 5 phase की बात करेंगे, किसके पांच phase के बारे में बात करते हैं बच्चों लोग, है ना। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है 5 phases। देखो पहला है इनिशिएशन, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है एग्जीक्यूशन और चौथा है क्लोजर। ये बेसिकली 4 देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन। बेसिकली क्या है, ये सब ऑर्डर पे है, सारा ऑर्डर पे है, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड देन क्लोजर। तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो पहले इनिशिएशन को क्या कर सकते हो, उसको बारे में सोचते हो, सोचने मतलब अपने कंबाइन करो, पार्टी को कंबाइन करो कि हाँ हमको प्लानिंग करना है इनके साथ में, है ना। उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करोगे, है ना, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको क्या करोगे, क्लोजर करोगे। तो ये डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं, आपको देखने को मिलेगा हर वाइज एरिया पे, आप कहीं पे देखो आपको ये सीक्वेंस जरूर मिलेगा देखने को, है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब देखो बात की जाए सबसे पहले कि मैंने कहा कि डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, इनिशिएशन फेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने कहा था कि इनिशिएशन, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन और फिर क्लोजर। तो डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, तो अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ सीरीज फेज दैट प्रोजेक्ट पासेस थ्रू स्टार्ट कंप्लीटेशन। मतलब कोई भी लाइफ साइकिल क्या है, जिसका स्टार्ट है उसका एंडिंग भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कैरिंग द प्रोजेक्ट एंड क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलो तो इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन, या फिर आप हम लोग बोल रहे हैं कि आप क्लोजर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया सीक्वेंस। अब हम लोग सबको स्टार्टिंग से देखेंगे। देखो सबसे पहले हम जानते हैं स्टार्टिंग फेज, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग फेज बेसिकली है क्या बच्चों लोग, देखो अब देखो क्या बेसिकली का कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, है? देखो द स्टार्टिंग फेज इन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर एग्रीड द फेज ऑफ फिनोमेना आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड सॉल्यूशन। जो मैंने कहा आप लोग को, द प्रोजेक्ट कैरेक्टर इंक्लूड द इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा सबसे पहले आपको बताया कि विजन होना चाहिए, फिर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, क्राइटेरियाज होना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, अपने आप को जो प्रोजेक्ट कंडीशन आप रिस्क में ढाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, अपने अथॉरिटी और नेम को प्रॉपरली इन्हेंस कर पाओगे नहीं, साथ साथ आपका क्या पे चलो कंसर्न स्टेक होल्डर्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, इन्वेस्टर्स आपके पास होने चाहिए, है ना। अब देखो हमारा दूसरा फेज क्या है, प्लानिंग फेज, क्या चलो प्लानिंग फेज कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लानिंग कि जो मैंने इनिशियल से सोचा कि मैं इस तरह से काम करूंगा या फिर इस तरह से काम करूंगा, तब मैं एक बना रहा हूँ एक अपना अपना एक
बना रहा हूँ, टीम बना रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज को डिस्कस कर पाऊंगा और सबसे शेयर कर पाऊंगा। तो देखो पर्पस क्या है प्लानिंग का, कि आजकल क्या है कि स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अगर एक्सपेरिमेंट मान लो शो करना है, एक्सपेरिमेंट होते रहते होंगे साइंटिफिक, तो आपको एक ग्रुप बनाया जाता है। आप ग्रुप में आप सब चीज का प्लानिंग करते हो कि हाँ हमको इस तरह से करना है। ठीक है, पहले तो नहीं कि आप स्टार्टिंग कर देते हो, नहीं ना, इनिशियल सोचते हो कि हाँ ये मेरा टीम में मेंबर होना चाहिए, ये फिर मैं सोचूंगा या फिर मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए, फिर जाके आप स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी चलो प्लानिंग फेज, जहां पर आप सोल्यूशन को डेवलप कर रहे हो और ज्यादा सोल्यूशन को डेवलप कर रहे हो और अपने ऑब्जेक्टिव तरह और ज्यादा बढ़ रहे हो कि मेरे को क्या करना चाहिए प्रॉपरली। क्योंकि आप अकेले सोच रहे हो और फिर आपको एक ग्रुप सोच रहा है, तो आपसे ज्यादा वो लोग सोचेंगे, है कि नहीं। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आगे अब चलो एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज जहां पर उसको क्या करेंगे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ अब ये हम लोग को स्टार्ट होना है। ठीक है, मतलब इसको इंप्लीमेंट करना है, अब सोचना नहीं है सिर्फ, अब हम लोग को सोचना नहीं है। ठीक है, द डिसीजन द एक्टिविटीज डिफाइंड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेड, अब हमको उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखो हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर किसी सुपरवाइजर को रखे, सुपरवाइज करे, फिर किसी को, जैसे मान लो क्लास में तो किसी को मान लो आप लोग एक लीडर बनते हो ना ग्रुप में, तो वो देखने को मिलता है। अब देखो वो क्या करता है बेसिकली कि कोई भी गलत हो रहा है तो उसको क्या बचाएगा, उसको बचाएगा। दूसरा क्या, कि मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है या फिर वहां कुछ नहीं। आफ्टर सेटिस्फेक्शन जब कस्टमर हो जाए या स्पॉन्सर स्टॉक सोल्डर हो जाए, तब क्या करता है नेक्स्ट स्टेप्स लेता है। ठीक है, ये हमको देखने को मिल रहा है, ये होगी एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, फिर लास्ट फेज हो क्या, चलो टर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट होने के बाद हमको क्या करना है, अब उसको पूरा ना कैरी ऑन करना, अब उसको खत्म करना, जो कंप्लीट हो गया हमारा सबसे अपने घर जाना। तो उसी तरह से क्या है कि अगर मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ खत्म, और अगर मान लो फ्रेंडशिप है तो फिर यही होगा, जैसे हम लोग रहते हैं ना 3 साल के रूम में रहते हैं। ठीक है, टर्मिनेशन फेज उसी तरह से। ठीक है, प्रोजेक्ट अपना जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेशन फेज के बारे में हम लोग का कंप्लीट, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलो अब देखो अगर मान लीजिए ये जनरल लाइफ साइकिल है कि आपका एक लाइफ साइकिल है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आप इसको अपने जीवन शैली में इनिशिएट करते हो तो ये 5 फेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, देन क्लोजर। ठीक है, यहाँ एक्सेस पॉइंट बढ़ रहा है क्योंकि क्या आप पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रही है, इसमें हम लोग सबसे पहले में बात हुआ था हमने। ठीक है, सबसे पहले बात कर चुका है हमने, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में बात की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है कि एक हाई लेवल के बारे में। ठीक है, वो एक शॉर्ट टर्म है लेकिन ये क्या है, परमानेंट लेवल है। कोई भी आप काम करते हो, इनिशिएट करते हो, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, फिर कंट्रोल करते हो या फिर क्लोजर, ये आपको देखना पड़ेगा कि हर प्रोसेस में आपको चलना पड़ेगा साथ में साथ, वरना आप लटक जाओगे, है कि नहीं। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है। चलो सबसे बारे में जानते हैं। अब देखो सेम वही इनिशिएशन के बारे में से हमने पढ़ा, क्या इनिशिएशन के बारे में पढ़ा, चलो कि जो मैंने पढ़ा, ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, है ना, प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन बेसिकली है क्या, देखो कि ये क्या इनिशियल वर्क है जो कि नेसेसरी होता है क्रिएट करने के लिए ऑथराइज्ड और द प्रोजेक्ट डिफाइंड। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, एक विजन बनाते हैं कि हमको ये इस तरह से काम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें, ये हमारा गोल है और वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, उस पर क्या करते हैं कि हम उस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको क्या वो सर्विस दे रहा है, क्या सर्विस नहीं दे रहा। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है कि हमको वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं उसके अंदर, फिर हम देखते हैं कि वो जो काम कर रहा है क्या काम कर रहा है, बच्चा लोग ये सोल्यूशन हम लोग को दे पा रहा है कि नहीं। अगर मान लो बेसिकली जब फेसबुक का हुआ था, ठीक है, तो फेसबुक बेसिकली क्या है कि आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी सोल्यूशन देखने को मिला, क्या प्राइमरी सोल्यूशन है कि आप कहीं पर ही बैठे आप कहीं पर ही बात कर सकते हो, तो ये देखने को मिला। व्हाट्सएप देखो, है ना, तो ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो उसमें बात की जाएगी कि मान लो बनाना तो है मेरे को फेसबुक बनाना, लेकिन उसमें क्या ओवरऑल कॉस्ट है, क्या उसका बिजनेस आइडियाज है, क्या केस हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या सोल्यूशन दे पा रहे हैं हम किसी को डिमांड को। ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लो पैसा तो मेरे पास है नहीं, पैसा नहीं तो मैं बस किसी के पास जाऊँगा, स्टेक होल्डर के पास जाऊँगा कि मेरे को जो पैसा दे, जो मेरे को पैसा दे पैसा लगाने के लिए, है कि नहीं। तो ये हम लोग को ध्यान देना। हम लोग देखेंगे क्या, चलो
प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब देखो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या बेसिकली कि जो हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन सोचे तो इनिशिएशन में हम लोग क्या देखना है, अब देखना है हम लोग को कि जो हम लोग सोचे कि हाँ हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको एक डॉक्यूमेंट गाइड बनाए कि हमको इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है, अपने टीम को इन्वॉल्व करना है और उसको उस तरह से बांटना है कि ये मेरा काम ये करेगा, ये मेरा एडवर्टाइजिंग है, ये मेरा फाइनेंशियल है, ये मेरे ऑफिस वर्क देखेंगे, ये मेरे सब चीज़ देखेंगे, तो इस तरह से हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट बनाया था, उसको क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया फेस में एक्टिविटीज़ में कि कौन 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 सा करेगा, उसका शेड्यूल बनाया जाएगा, प्रोजेक्ट का क्या किया टाइमलाइन बनाया जाएगा कि इसमें काम करना है। ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि ये आपको ये करना है, चार्ट बनाना पड़ेगा कि ये मेरा काम ये करेगा, ये मेरा काम ये करेगा। इससे कैसा होता है कि आपको रूटीन मिलता है क्लास में कि आपको इस टाइम पे ये पढ़ना है, आपको इस टाइम पे ये टीचर आएंगे, आपको उसमें उन लोगों को बनाया जाता है रूटीन, तो ये रूटीन देखना पड़ेगा कि इस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्लान भी बनाना पड़ेगा कि आपको लॉ कॉस्ट में एक बड़े चीज़ को देना है, क्योंकि आजकल क्या है कि आप जितना लो कॉस्ट में आप सामान दोगे उतना ज़्यादा बेटर, तो वही चीज़ है कि आप जितने कम बजट में कम एस्टिमेट में अपने काम को कंप्लीट करते हो रिसोर्सेज के साथ, तो ये हो गया आपका क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान के बारे में। ठीक है, अब देखो बेसिकली है ना, अब देखो जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेट ग्लोन, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड में बात कर ली, अब हम लोग देखेंगे क्रिएट रिसोर्सेज के बारे में कि क्या रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ में अपने आप। ठीक है, तो हम टीम को रिक्रूट करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे, ठीक है, रिसोर्स जो देना है उसको देंगे और मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि डिलीवर करें उस प्रोजेक्ट को, ताकि उस डिलीवर को प्रोजेक्ट करें हम लोग, है कि नहीं। फिर हम लोग क्या देखेंगे उसमें कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे मान लीजिए आप एक जो आप टीम प्लान बनाया आपने, ठीक है, प्लान जो आपने क्रिएट किया, तो प्लान में आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो क्वालिटी प्लान है, जो प्रोजेक्ट मैंने सोचा, ठीक है, उसका टारगेट जो मेजर किया, वो हमको देखना पड़ेगा और क्या रिस्क ले सकते हैं उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए, वो भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है, रिस्क है तो इश्क है ना, मैंने कहा ना, जैसे बोलते हैं ना आकाश चोपड़ा जैसे कम्युनिटी करता है, मतलब है ना, क्या बोलते हैं, रिस्क है तो रन है जो भी है, ठीक है, तो उस तरह से देखा जाता है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, क्रिएट एन एक्सेप्टेंस प्लान असाइन टू क्राइटेरिया वर्क डन एंड डिलीवर्ड। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपने क्या डन किया और आपने क्या डिलीवर्ड कर रहे हैं अपने जो आपके जो कस्टमर्स है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। फिर आप कम्युनिकेशन क्रिएट करोगे उस कस्टमर्स के साथ कैसे, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं और आपके जो कम्युनिकेशंस है, जिससे जो प्लान्स कम्युनिकेशंस करना है आपको, क्योंकि स्टेक होल्डर बहुत ज़्यादा जरूरी है जो पैसा इन्वेस्ट करे, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, क्रिएट अ प्रोक्योरमेंट प्लान, फाइंड एनी थ्री पार्ट ऑफ सप्लायर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू एग्री टर्म्स। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या 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 टर्म्स आपको डिलीवर करने हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, यहाँ तक हमने डन कर लिया। हम लोग क्या देखना है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन देखना है कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूशन फेज है किसी प्रोजेक्ट प्लान का, तो जैसे एग्जीक्यूट करना है प्लानिंग को, ठीक है, तो उसको एक्शन बनाना पड़ेगा। कई कई हम सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे या फिर हम लोग सोच रहे थे उसके बारे में, अब उसको क्या करना है, उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, उसको टीम लीड खड़ा करना पड़ेगा, उसको एक विजन देना पड़ेगा, तब देखो क्या करेगा अपने जो भी वर्कर्स है को वर्कर्स उसके साथ टीम बना करके डिलीवर करेगा हमको वो चीज। ठीक है, फिर उसको टास्क देना पड़ेगा कि हाँ आपको इस तरह का ये टास्क है, मान लो आपको दिन भर में इतना कोडिंग करना है, दिन भर आपको ये करना है, दिन भर आपको ये बनाना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि जो एग्जीक्यूशन है, ब्रीफिंग आपको देना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो इंश्योर है आपकी टीम के लिए और आप क्या है प्रॉफिटेबल है आपकी टीम के लिए। ठीक है, क्यों हमको करना है, कब करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको क्लाइंट मैनेजमेंट जो है वो क्लाइंट को इंश्योर करे कि आपको हम जोएंगे दो जो भी देंगे वो बहुत बढ़िया चीज होगा, जो भी होगा आपको डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन से कैसे, जैसे इन्फॉर्मिंग करना पड़ेगा पीपल को कि हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, फिर ये चीज लॉन्च हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देना
पड़ेगा कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मॉनिटरिंग के बारे में, है ना। तो देखो मॉनिटरिंग बेसिकली क्या है कि हमने जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं ठीक है, उस काम पे हमको ध्यान देना है कि कैसे काम करना है कि मॉनिटरिंग करना है उस चीज को लेकर। अब मॉनिटरिंग कैसे करना, देखो बच्चों जैसे कि मान लो जो मेरा प्लान है वो इंश्योर हो चुका है, एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब देखो मान लो हर चीज तो प्रॉपरली नहीं होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ ये काम सही से हो रहा है कि नहीं, या फिर हमको उस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं। और मान लो कहीं कुछ ट्रैक में कुछ दिक्कत, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली क्या है मॉनिटरिंग, आप कंट्रोलिंग कर रहे हो प्रोजेक्ट को लेकर के कि कहां पर क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे कि मान लो पहला कॉस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट रिव्यू, आपको टाइम शीट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मेरा कहाँ एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ट्रैक अगेंस्ट कर सकते हैं कि, और प्रोजेक्ट के बजट को देखना पड़ेगा, टाइमलाइन को भी देखना पड़ेगा, टास्क को भी देखना पड़ेगा। उसके साथ अगर आप प्रोजेक्ट को कंपटीशन करते हो ज़्यादा बेटर है। फिर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि आपको जो काम कर रहे हो क्वालिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब मान लो अभी बिहार में एक सीन हुआ था, एक पुल बना था, 6 महीना पुल बन के कंप्लीट नहीं हुआ, गिर गया, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि मान लो क्वालिटी है कि नहीं है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या रिस्क है, क्या रिस्क है ना। रिस्क जैसे बेसिकली कि मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल मैनेज और रिड्यूस पोटेंशियल रिस्क कि हाँ आप जो काम कर रहे हो किसी को इश्यू ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन आप प्रॉपरली काम करो, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट करो कि ना ज्यादा किसी को हार्म हो, ना ज्यादा किसी के लिए एक्सेप्टेंस देखने को मिले। अब क्या एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कि जो कंडक्ट आप करवा रहे हो किसी के साथ भी, टेस्टिंग करवा रहे हो, एक सिस्टम होना चाहिए इंश्योरिंग कि आप जो डेविज दे रहे हो क्लाइंट के लिए नीट हो, ठीक है। फिर क्या कि चेंज मैनेजमेंट व्हेन द प्रोजेक्ट डज नॉट गो एज अ प्लानिंग मैनेजमेंट। अब देखो जब आप कोई भी चेंज करोगे उस टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो क्लाइंट उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो हैप्पी है कि नहीं उस चीज से। अगर मान लो आप किसी के क्लाइंट के, आप किसी को क्या दिए हो कि आप घर बनाने का वादा किए, आप क्या क्यों वादा किए हो कि हाँ हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे उस घर पे, ठीक है। तो अगर आप मान लो स्विमिंग पूल, आपने बोला कि मैं स्विमिंग पूल बना के दूंगा, अब आप अचानक बोल रहे हो कि स्विमिंग पूल मैं नहीं बना पाऊंगा, तो क्या क्लाइंट उससे खुश होगा? आपको उसे खुश करना पड़ेगा, आपने इंश्योरमेंट देना पड़ेगा कि हाँ ये चीज सही नहीं है आपके घर में, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा इंश्योरमेंट, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और लास्ट क्या बचा, क्लोजर। क्या बचा, क्लोजर कि मैंने जो काम किया वो काम सही से किया है, साथ साथ मैं आपको वो काम को क्लोज करके दे रहा हूँ, मैंने सारा चीज कंप्लीट कर दिया है। ये क्या है बच्चे के लास्ट फेज है किसी प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब क्या फॉर्मली क्लोजेस कि आपको हर जो अचीवमेंट तो आपको मिल गया, आपने क्या देखा कि प्रोजेक्ट जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो मैंने सब चीज कर लिया, हाउ वेल कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना वो भी देख लिया, क्या सबने काम किया सही से, सबने चढ़िया से असाइन किया सबको बढ़िया से, ये देखने को मिला। फिर वो क्या देखने को मिला कि जब हम क्लोजर करेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो क्या है कि हमारा जो टास्क है वो ऑफिशियली एंड हो चुका है, ऑफिशियली एंड हो चुका है प्रॉपरली, है कि नहीं। तो ये हम लोग को देखने को मिला। फिर क्या देखने को मिला बच्चों लोग, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू कि जो भी मैंने काम किया, क्या मेरे को फेलियर मिला, क्या मेरे को रिजल्ट मिला, क्या मेरे को सीख मिला, ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, हम प्रोजेक्ट रिस्क के बारे में स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क के बारे में स्टार्ट करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों लोग इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है।